फलौदी से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर होटल लाल निवास में बम की सूचना मिली। होटल मैनेजमेंट की मेल आईडी पर यह मैसेज आया। धमकी भरा हुआ एसपी, एएसपी, डिप्टी एसपी और थानाधिकारी पुलिस के जाब्ते के साथ मौके पर तैनात हैं। बम निरोधक दस्ते को भी जोधपुर से बुलाया गया है। शहर के वेदों का वास स्थित लाल निवास होटल का यह पूरा मामला है। तो एक बड़ी खबर फलौदी से निकलकर सामने आई है। फलौदी के अंदर होटल लाल निवास में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। यहाँ पर जो होटल का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसके पास में मेल के जरिए ये धमकी भरा मैसेज आया है। मेल आईडी पर, ऑफिशियल मेल आईडी पर ये मैसेज आया, जिसमें धमकी दी गई है बम छुड़ाने की इस होटल को, लाल निवास को। और जैसे ही सूचना मिली तो उसके बाद में ज़िले के जो एसपी हैं, वो साथ में एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी और थानाधिकारी भी जाब्ते के साथ मौके पर तैनात हैं। पुलिस का पूरा जाब्ता मौके पर तैनात है। इसके अलावा बम निरोधक दस्ते को भी जोधपुर से बुला लिया गया है। शहर का जो वेदों का वास इलाका है, उसके अंदर ये होटल लाल निवास है और इसी होटल लाल निवास को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने चारों तरफ इलाके को सील कर दिया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है और पुलिस का पूरा जाब्ता मौके पर तैनात है। खुद एसपी, डिप्टी एसपी, साथ ही एएसपी, थानाधिकारी और पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया है और उसके बाद में जो तफ्तीश है वो यहाँ पर की जाएगी बम निरोधक दस्ते के द्वारा। तो एक बड़ी खबर फलौदी से निकलकर सामने आई है, जहां पर होटल लाल निवास को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बम होने की सूचना से हड़कंप इस पूरे इलाके के अंदर मच गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, यही वो होटल है जिसको बम से उड़ाने की धमकी मिली है फलौदी के अंदर। और उसके बाद में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। शहर का पुराना इलाका ये लग रहा है तस्वीरों के जरिए। धर्मेंद्र कुमार सोनी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, किस तरीके की धमकी दी गई है मेल के जरिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी कुछ फ्लाइटों को उड़ाने की धमकी मिल रही है प्रदेश में, उसी तरह से एक मेल होटल की मेल आईडी पे आया जिसमें लिखा हुआ था बम इन होटल। अब ये जो होटल है लाल निवास, ये शहर के मध्य स्थित है और अभी ये जॉन पैलेस ग्रुप के पास है, जिनका अन्य शहरों में भी होटल्स हैं। तो उन्होंने तुरंत वो मेल फलौदी पुलिस को फॉरवर्ड किया। फलौदी पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचे और होटल को खाली करवाया गया और आवाजाही के तुरंत रास्ते सबके सब बंद कर दिए गए और भारी जाब्ता पुलिस बल तैनात है, आला अधिकारी तैनात है। जी सर। अच्छा, पुलिस तो पहुंच चुके, लेकिन बम निरोधक दस्ता भी क्या मौके पर पहुंच चुका है? जोधपुर से बुलवाने की बात कही जा रही थी। जी दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बम निरोधक दस्ता कुछ ही समय पश्चात मौके पर पहुंचने वाला है और तलाशी लेगा कि किस तरह के अंदर बम है या नहीं है या ये अफवाह थी क्या है। लेकिन पुलिस ने इसको बड़े ही सीरियस तरीके से लिया है और बस पहुंचने वाला है बम निरोधक दस्ता। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। धर्मेंद्र कुमार सोनी, इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो धर्मेंद्र सोनी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता फलौदी से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि कुछ देर में बम निरोधक दस्ता भी जोधपुर से यहाँ पर पहुंचने वाला है। उसके बाद में सघनता से जो जांच है वो यहाँ पर की जाएगी, चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और पुलिस के आला अधिकारी खुद एसपी, साथ में एएसपी, डिप्टी एसपी, थानाधिकारी मौके पर तैनात हैं। इलाके को आसपास से पूरा सील कर दिया गया है।